ये देखो कश्मीर में सारी जगह था, ये देखिए भाई निकला था, और ऐसा बताते कि यहाँ का जो पानी है ना जी वो भी लाल पड़ गया था। डीएन हरियाणा देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं दिनेश जुलानिया आज पहुंचा हूं बड़ौदा विधानसभा गांव धनाणा में, और धनाणा गांव को जाना जाता है धनेश्वर के नाम से, और यहां पर बड़ा ही भव्य शिव मंदिर बनाया गया है, उसका दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, और यहां पर शिव गेट लगाया गया है, शिव द्वार लगाया गया है, गाँव में प्रवेश द्वार है ये गाँव का, और शिव द्वार बोला जाता है इसे। आइए आप चलते हैं गाँव के शिव मंदिर की तरफ। इस समय हम पहुँच चुके हैं धनाणा गांव के शिव मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। देखिए बड़ा ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है गांव के शिव मंदिर का। गांव के शिव मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर श्री कृष्ण जी और साथ में अर्जुन को गीता उपदेश दिया जा रहा है। चार घोड़ों पर रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को गीता उपदेश दिया जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा। बड़ा ही सुंदर भव्य द्वार बनाया गया है गाँव के शिव मंदिर का। ये प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है, और यहाँ पर साथ में प्रहरियों की प्रतिमा भी लगाई गई हैं, और गांव का जो अंदर का दृश्य है शिव मंदिर का वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है धनाणा गांव में, और इस मंदिर के अंदर का दृश्य भी हम दिखाएंगे, गर्भगृह का भी दर्शन कराएंगे। आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। ये प्रवेश द्वार है जो मंदिर बनाया गया है, मंदिर के प्रांगण का प्रवेश द्वार बड़ा ही सुंदर बनाया गया है, और ये देखिए भाई जो मंदिर है, मंदिर की चोटी पर धर्म की पताका लहरा रही है, आप साफ देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और ये घंटियों की आवाज़ भी सुनी जा सकती है मंदिर के प्रांगण में इस समय। ये देखिए बड़ा ही सुंदर मंदिर जो धनाणा गांव में बनाया गया है, और भाई हमारे सहयोगी कैमरामैन ऋषि जी हैं जो लगातार बने हुए हैं हमारे साथ पिछले एक घंटे से, और ये मंदिर का दृश्य भी देख लो भाई, बहुत बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया है, आप देख सकते हैं उस साइड भी एक जो पानी की टंकी है वो भी मंदिर नुमा बनाई गई है, और ये देखिए भाई देख सकते हैं मंदिर के चारों तरफ का दृश्य, बड़ा ही सुंदर मंदिर, और ये देख लो भाई मंदिर के अंदर गर्भगृह का दृश्य भी दिखावांगे। जो मंदिर की दीवारें हैं बहुत चौड़ी हैं, लगभग 4 फुट चौड़ी दीवारें मंदिर की आप देख सकते हैं ये, और ये लाइब्रेरी भी बनाई गई है, पुस्तकालय, यहाँ पर सभी धार्मिक ग्रंथों की पुस्तकें रखी गई हैं शिव मंदिर के अंदर। और भाई एक ये दुर्गा मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है, माता दुर्गा की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, बड़ी सुंदर प्रतिमा आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया गया गांव के अंदर, और आप देख सकते हैं राधा कृष्ण मंदिर भी बनाया गया है, बड़ी सुंदर प्रतिमा राधा कृष्ण की यहाँ पर देख सकते हैं, भव्य प्रतिमा लगाई गई है, बड़ी ही सुंदर प्रतिमा राधा कृष्ण की यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये देखिए वाटिका भी साथ में बनाई गई है, पीछे धर्मशाला भी साफ देखी जा सकती है, एक धर्मशाला भी है जो गांव के मंदिर के प्रांगण में मंदिर बनाई गई है। ये देखिए गांव के मंदिर के प्रांगण की जो वाटिका साथ में बनाई गई है, ये वाटिका का दृश्य आप देख सकते हैं, बेलपत्र भी लगाए गए हैं, आम और अनार के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, देखते हैं आप बड़ा ही सुंदर मंदिर और बड़ी अच्छी प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए दत्तात्रेय भगवान की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। यहाँ पर राम दरबार भी लगाया गया है, बड़ा ही सुंदर राम दरबार धनाणा के शिव मंदिर में आप देख सकते हैं, साथ में पवन पुत्र हनुमान भी मौजूद हैं, और उधर संकट मोचन श्री हनुमान जी का मंदिर भी बनाया गया है, बड़ा ही सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, संकट मोचन हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, और वही बड़ा ही सुंदर गर्भगृह बनाया गया है जो शिव मंदिर है गांव धनाणा का आप देख सकते हैं, और इस मंदिर का जो रहस्य है वो जानेंगे, मंदिर कितना पुराना है, कब से है। ये पंडित जी डीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। जो शिव मंदिर है ये कितना पुराना मंदिर है और इसकी स्थापना कब की गई? इसको ऐसे बताते हैं कम से कम ये 350-400 साल पुराना मंदिर जी, और प्राचीनता को लेकर जैसे हम भी सुनते आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों से,
पहले यहाँ हरियाणा में 300-400 साल पहले जी हरियाणा में सूखा पड़ गया, बिल्कुल सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। तो वहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत हो गई, तीन तरफ पानी, पहले कुआँ तालाब होते थे जी, और पानी के कुआँ तालाब भी सूख गए थे, कहीं दूर दराज से पानी लाते थे लोग पीने के लिए। यहाँ इस जगह पर, इस स्थान पर जहाँ आज मंदिर बना हुआ है, इस स्थान पर जंगल होता था। यहाँ ऐसे बताते हैं कि दिन में भी अंधेरा रहता था, कोई आता नहीं, इतना भयंकर जंगल पर उठना करते। तो इस नगरी में एक दो आदमी भैंसा था, वो लूट के जाया करता था, तो उसके शरीर में गार लगी हुई जी। तो लोगों ने सोचा, शंका किया, कहीं न कहीं तो पानी है, जबकि लौट के आवा है और इसके शरीर में पानी गार लगी रहे जी। तो लोगों ने उसका पीछा किया, देखिए वो इधर उधर चला जाता, सीधे नहीं आया जी। ग्राम नाम के जो मुखिया थे, उन्होंने मतलब ये पुट्टी लगाई कि भाई इसके पीठ में डोरी बांध, तो उससे क्या है, उससे निशानी मिल जाएगी जहाँ से वो लौट करके आएगा, और इसके जो बूंद है पानी के बूंद रास्ते में टपकता जाएगा, नहीं तो लोगों को निशानी मिल जाए भाई पानी है तो है, कहाँ है लोगों को पता नहीं, और लोग पानी की तलाश भी करते हैं। तो इस व्यक्ति से वो जब गांव में गया तो लोगों ने उसके पानी के जो छींटे रास्ते में पड़े थे उस निशानी के कारण जो है ना यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पहुँचे। तो लोगों ने देखा कि छोटा सा कुंड है, उसमें बहुत ही सुंदर पानी है, जंगल बहुत बड़े 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 बड़ के पेड़ जंगल। कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई पानी मिल गया है तो अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा चौड़ा करके यहाँ से पानी लिया जाएगा बर्तनों के लिए, पीने के लिए। तो लोगों ने खुशी मनाई, और उसके अगले दिन कुछ लोगों ने आकर के यहाँ खुदाई शुरू की, और उस खुदाई के अंतर्गत ये शिवलिंग मिला था जो यहाँ शिवलिंग विराजमान है। तो लोगों ने इसको खोदना चाहा कि भाई निकाल के बाहर किया जाए और कहीं पहले पत्थर समझ गए थे, शिवलिंग नहीं समझ गए। तो लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, शाम हो गई तो फिर सारे लोग अपने घर चले गए। हाँ, तो सुबह 4 बजे जो मुखिया था, ऐसा बताते हैं ना कि यहाँ तायल होते हैं, तायल बनिया, उनके बड़े दादा परदादा जो थे उनको सपने में आए थे, भगवान शंकर जी अपने सपने दिखाए थे और उनसे बताए थे कि इस तरह से मेरा यहाँ पर जो है, मेरा अगर पेड़ को निकालोगे तो नगरी में नुकसान हो जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ पर मंदिर बना दिया जाए, निकालने की कोशिश न किया जाए। तब उन्होंने आकर के ग्राम पंचायत में ये बात कही थी, तब लोगों को ये पता चला था कि यहाँ भगवान शंकर हैं शिवलिंग के रूप में। तब लोगों को इसके बारे में पता चला, तालाब को पीछे साइड और तालाब पीछे की साइड बना हुआ, पीछे साइड में बना के ये सारा भर दिया गया, पहले यहाँ से लेकर के चारों साइड में तालाब था, ये सिर्फ ये रास्ता था जहाँ से आप तो आए। अब तालाब बंद कर दिया गया, अब तालाब बंद कर दिया क्योंकि पानी हो गया खराब और तालाब की इतनी आवश्यकता नहीं है। कारण इसकी यह है कि सभी के घर घर में बढ़िया ताज़ा पानी जाने लग गया, लग गई सुविधा हो गई, पहले ये सुविधा हो गया नहीं करती थी, पहले ये सुविधाएँ हो गया नहीं करती थी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ का भगवान शंकर, ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर के बारे में, और यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं सैलानी हैं, इनसे उनसे भी पूछेंगे, जो गांव के अन्य बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, और ये गांव का जो मंदिर है इसका गर्भगृह के दर्शन भी कराएंगे। आप कहते हैं कि जो ये जो शिवलिंग है इसको यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की गई थी, और कहते हैं कि इसको जब निकाला जा रहा था तो इस पर निशान भी लगे हैं बस जी के, वो भी दिखाएंगे हम आपको।
ये शिवलिंग है भाई जो साफ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में। और ये शिवलिंग है जो ये जो सुंदर गुम्बद बनाया गया है, एसी भी लगाया गया है शिव परिवार। भक्तों की अभिलाषा यहाँ पूरी होती है, जी जी। दूर दराज से लोग आते हैं। ये देखो कशिंग सारी जगह था, ये देखिए भाई निकला था। और ऐसा बताते हैं कि यहाँ का जो पानी है ना जी, वो भी लाल पड़ गया था, लाल लेकिन पड़ लोगों को पता नहीं था क्या कारण से लाल हुआ है, ये पता नहीं चला भाई किस कारण से। जब उन्होंने सपने में आकर के 4 बजे सुबह भगवान शंकर जी ने बताया इस तरह की बात है, तब लोगों को ये पता चला कि हाँ भाई यहाँ भगवान शंकर जी ने स्वयं आप देख सकते हैं स्वयं भू विराजमान है। आप देख सकते हैं जो मंदिर की दीवारें कितनी चौड़ी हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना पुराना है। करके यहाँ से यहाँ तक इतनी मोटी दीवार है, लगभग 4 फुट के करीब दीवारें इसकी चौड़ी दिखाई जा रही है। देखिए इन्होंने अपने दोनों हाथों में पकड़ने की कोशिश की, पकड़ी नहीं जा रही है। और एक और गाँव के बुजुर्ग मौजूद है, उनसे पता करेंगे मंदिर के बारे में। जी राम राम जी। जो ये मंदिर है, मंदिर के बारे में कहते हैं कि बहुत पुराना मंदिर है, स्वयं वो शिव भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे, तो ये क्या सच्चाई की बात है? सब है सच्चाई, सच्चाई की बात है सर। यहाँ ये नहर निकली जब ये बांगो नहर है जी, यहाँ पर चेक करी थी जी, यहाँ पर इन्हें बाबा दिखाई दिया, बाबा जी साधु दिखाई दिया, साधु वहाँ से मुड़ लगा दिया। हाँ, फिर उसने ये गांव के जो प्राचीन शिव मंदिर के पश्चिम दिशा का चित्र आप देख पा रहे हैं, पश्चिमी दिशा में अब हम खड़े हैं यहाँ पर। और ये साथ में जो गांव का जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक बहुत सुंदर धर्मशाला भी बनाई गई है। ये देखिए सुंदर धर्मशाला का फोटो आप देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बड़ी ही सुंदर धर्मशाला यहाँ गाँव के शिव मंदिर में बनाई गई है। और कहते कि गांव जो धनाना गांव है, धनेश्वर का गांव बोला जाता है, शिव को यहां पर धनेश्वर का नाम दिया गया है और धनेश्वर से ही ये धनाना नाम पड़ा है। और कहते इस गांव के अंदर एक ऐसा तालाब भी है जहां स्नान करने से पीलिया ठीक हो जाता है। और कहते हैं जब यहां पर बाबा मस्तनाथ जी आए थे तो वो कहते हैं उनको एक बार यहाँ पर चर्म रोग हो गया था, तो शिव बाबा ने उनको कहा था, दर्शन दिए थे कि आप यहाँ धनाना गांव में आइए और शिवलिंग के साथ जो तालाब लगता है उसमें स्नान कीजिए, और स्नान करोगे तो वहाँ आपका ये रोग दूर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बाबा मस्तनाथ जी ने पूजा की थी और वो ठीक हो गए थे उसमें। और यहाँ पर सुंदर वाटिका भी बनाई गई है, फलदार पौधे लगाए गए हैं, बड़ा ही सुंदर दृश्य है गाँव के इस मंदिर का।